आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि उनका वजन जल्दी से बढ़ने लगेगा और बहुत ही हेल्दी वे में उनका वजन बढ़ेगा। आप ये सारी चीज़ें अगर बच्चे की डाइट में डेली बेसिस पर इंक्लूड करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में ही बच्चे के वजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपने बच्चे के एज और हाइट के अकॉर्डिंग आप गूगल पे देख सकते हैं कि क्या आइडियल वेट होना चाहिए इस हाइट और इस एज के बच्चे के लिए, और उसके बाद में आप ये आइडिया लगाइए कि क्या वाकई में आपका बच्चा अंडर वेट है, क्या आपको उसके वेट को गेन कराने के लिए आपको फोर्स करने की ज़रूरत है। अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़बरदस्ती बच्चे का वज़न बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा वाकई में अंडर वेट है तब आप ये टिप्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम इस वीडियो में सारे वो इम्पॉर्टेंट फूड्स इंक्लूड करने वाले हैं जो कि बच्चों का वेट गेन कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होंगे, ड्रास्टिक आपको चेंज दिखाई देगा। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अगर आप अपने बच्चे को भी ब्रेस्ट फीड कराते हैं, अगर आपका बच्चा भी इतना छोटा है कि आप उसको ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो ब्रेस्ट फीड आपको कराते रहना चाहिए। माँ के दूध से भी बच्चे का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ये बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि माँ का दूध बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे का वज़न बढ़ाने का। तो अगर आपके बच्चे की एज अभी इतनी है कि अगर आप अभी उसको इतना दूध पिलाते हैं तो आपको ये कंटिन्यू रखना चाहिए, इससे बच्चे का वज़न बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा सुपर फूड है और जो हम सब जानते हैं वो है केला। केला आपको ज़रूर 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 खिलाना चाहिए बच्चे को। ध्यान रखिएगा, केला जब आप एकदम एम्प्टी स्टमक खिलाते हैं तब वो इतना ज़्यादा वेट गेन में मददगार नहीं होता। लेकिन जब आप केले को या तो बच्चे ने पहले कुछ खाया हुआ हो तब आप खिलाएं, या फिर आपको बच्चे को सुबह सुबह केला देना है तो आप उसको दूध के साथ मिक्स करके दें, ये अब सही वे होता है केले को यूज़ करने का अगर आप वज़न बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम एम्प्टी स्टमक केला खाते हैं तो वो वज़न बढ़ाने में बिल्कुल भी उतना काम नहीं कर पाता, बल्कि वो सिर्फ एनर्जी आपको देता है, जो कि अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ओवरवेट है वो बनाना ले सकता है, जैसे कि मेरा भी वेट थोड़ा ज़्यादा है और मैं केला खाती हूँ, लेकिन मैं केला खाती हूँ जब मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ के मैंने अपना गर्म पानी वगैरह पिया उसके बाद में मैं केला खाती हूँ, क्योंकि जो खाली पेट केला खाते हैं वो वज़न कम करने में भी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का वज़न बढ़वाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे का वेट गेन करे, उस केस में या तो आपको केला तब देना है जब बच्चे ने पहले कुछ खाया हुआ हो, फिर आपको बच्चे को जो केला आप दे रहे हैं वो आप दूध वगैरह में किसी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। दूध केला जो होता है ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा बोला जाता है वेट गेन के लिए। दूध की यहां बात की तो तीसरा प्रोडक्ट हमारा डेयरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं वेट गेन के लिए। डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप दूध पिला सकते हैं बच्चे को, दो बार आप दिन में दूध ज़रूर दें बच्चे को। उसके अलावा पनीर इंक्लूड करें डेली बेसिस पे, आप दही दे सकते हैं। आप ये सारी सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का वज़न बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है। जो फोर्थ फूड है वो है रागी। रागी एक ऐसा फूड है जो कि ओवरवेट वाले लोग भी ले सकते हैं और अंडरवेट वाले लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि रागी मदद करता है आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए, एक हेल्दी वेट बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करता है। तो आप रागी, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप रागी के पॉरेज दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। रागी को आप बहुत सारे वेज से आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं, पूरियां बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके बच्चे को पसंद है। रागी की बहुत सारी रेसिपीज़ आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो रागी आप ज़रूर इंक्लूड करें। सेम रागी के जैसे ही आता है ओट्स। ओट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मसल्स गेन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारा होता है प्रोटीन, सारा होता है फाइबर, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छे कार्ब्स होते हैं जो कि बच्चे को फुल भी रखता है और वेट गेन कराने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आप अपने बच्चे की डाइट में ओट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी आप दे सकते हैं, विटामिन ई विटामिन सी से रिच होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है आइज़ के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे कि आपके बच्चे जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते और आपके बच्चों का वज़न बढ़ता है, कम नहीं होता किसी। और जो स्वीट पोटैटो है वो वेट गेन में भी काफ़ी ज़्यादा
हेल्प करता है और ये एक हेल्दी वेट गेन होता है। इसके अलावा दाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप अपने बच्चे की डाइट में दाल डेली बेसिस पर इंक्लूड करते हैं तो बच्चों की डाइट में काफ़ी प्रोटीन जाता है जो कि उनको वेट गेन कराने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अलावा घी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये वेट गेन के साथ साथ बच्चे के दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप अपने बच्चे की डाइट में घी ज़रूर इंक्लूड करें। जब आप बच्चे को रोटियां दे रहे हैं, रोटी पे तो आपने जो घी लगाया सो लगाया, आप दाल में भी अलग से घी डाल दीजिए, सब्जी में भी अलग से घी डाल दीजिए। ये वाला जो घी मैं आपको बोल रही हूँ ये सब्जी को फ्राई करते वक्त छोंकते वक्त नहीं हमें डालना, दाल वगैरह बन के रेडी हो जाती है और हम अपने बच्चे की थाली में सर्व कर रहे होते हैं उस वक्त हमें आधा चम्मच एक चम्मच घी डालना चाहिए। ये बच्चे का वेट गेन कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के वेट को मेनटेन करने के लिए। अगर कोई बच्चा ओबीज है उसके लिए भी आपको ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए, कोई बच्चा अंडरवेट है उसकी डाइट में भी आपको ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए। ये मसल वेट जो होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है जिससे कि बच्चे स्ट्रांग रहते हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हो जाती है ड्राई फ्रूट्स। आप अपने बच्चे की डाइट में ड्राई फ्रूट्स डेली बेसिस पे इंक्लूड करेंगे, भीगे हुए बादाम डेली अपने बच्चे को खिलाएंगे तो आप अपने बच्चे का वजन तो बढ़ा हुआ पाएंगे ही, साथ ही साथ आप देखेंगे बच्चे की स्किन का टेक्स्चर कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, बालों का टेक्स्चर कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो आप ज़रूर इंक्लूड करें ड्राई फ्रूट्स को अपने बच्चे की डाइट में। फ्रेंड्स, ये है मेरी तरफ से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुपर फूड्स जो कि आपके बच्चे का वजन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।